देखो देखो, इशिता के रमन की मसरूफियत की कोई हद नहीं है। वो जब बाथरूम भी जाते हैं तो अपना लैपटॉप साथ ले जाते हैं। भाई आज तक हमने किसी को इतना बिजी नहीं देखा, ना ही पर्दे पर और ना ही पर्दे के पीछे। रमन का ये अंदाज देखकर हमें लग रहा था कि वो कंपनी के काम में बिजी हैं, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। दरअसल रमन अपनी इशिता से खूब नाराज हैं, क्योंकि बात बात में वो अपने फ्रेंड मणि का नाम लेने लगती हैं। इतना ही नहीं, इशिता ने घर में मनाए जा रहे गोलू फेस्टिवल को लेकर भी अभिमन्यु की हेल्प ली थी और इसी बात से खूब चिढ़े बैठे हैं रमन। ऐसे में रमन ने ठाना कि वो भी गोलू फेस्टिवल के बारे में तमाम जानकारियां हासिल कर कर ही रहेंगे। यही वजह है कि रमन इशिता से नजरें बचाते हुए पहुँच गए बाथरूम में अपना लैपटॉप लेकर। खैर, बाथरूम में इतनी मशक्कत करने के बाद रमन जब सोने के लिए अपने कमरे में रात में पहुंचे, तो वहां इशिता भी पहुंची रमन की दवाइयां लेकर। लेकिन इशिता से नाराज रमन ने सोते सोते भी इशिता को खूब खरी खोटी सुनाई। आप अपने मणि से पूछो ना, पूजा मन से करनी चाहिए, हाथ से करनी चाहिए, पांव से करनी चाहिए। एक काम करो, कल से उसको क्लिनिक ले जाओ अपने साथ, पता देगा दांत कैसे तोड़ने लगो। बकवास बंद करो, नींद आ रही मुझे, लगाओ करो। रमन, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इशिता पर इस कदर नाराज होना अच्छी बात नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।